इसमें टाटा बिरला अंबानी के बच्चे तो नहीं पढ़ते, हम गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इन स्कूलों को बंद करके जो हमारी हालत खराब की जा रही है, और सिर्फ हमें फ्री के नाम पे, जैसे टीवी पे आप पिक्चर देख रहे हैं, एक गाने को 10 बार सुनोगे तो वो गाना 11वीं बार आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से फ्री दिखा के, फ्री आपके दिमाग पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और लगेगा नहीं कि कोई और लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ फ्री काम हो रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों का ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि केजरीवाल जी अब दिल्ली को भी फ्री छोड़ दो, आपसे फ्री होने का, हमारी पार्टी से फ्री होने का वक्त आ चुका है। भारतीय संविधान के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरा देश पिछले 2-3 साल से देश के संविधान की स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्यों, उसी संदर्भ में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का भी जन्म हुआ 26 नवंबर 2017 को। क्यों हम लोगों को पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों हम लोग राजनीति में उतरे, या एक अलग दल बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई दिल्ली में, ये एक सिलसिला है कि पिछले लगभग देश की 70 साल की आजादी के बाद हम लगातार देखते रहे हैं कि जिन लोगों के लिए काम भारत के संविधान में जो रूल्स और जो आर्टिकल्स निहित किए गए थे कि उसके लिए काम करना है, उन सरकारों ने काम नहीं किया। राजनीतिक दल बने, जब कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये आजादी के आंदोलन से पहले की बात थी, लेकिन कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित कर दिया गया, और उसके बाद कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको एडॉप्ट कर लिया। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी उसको एडॉप्ट करके डिवीजन कर दिया गया, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अल्पसंख्यक है, ये माइनॉरिटी है। इस डिवीजन की जो पॉलिसी थी इसको बरकरार रखा, और बार बार लोग कहते हैं कि हमारे देश में, इस भारतवर्ष में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज देके गए हैं। ये जो परंपरा चलाने वाले लोग हैं, या जो झूठे और मक्कार लोग हैं जिन्होंने इस बात को चलाया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की दी है, मैं इस मंच के माध्यम से इस पॉलिसी को भी रिजेक्ट करता हूं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात में कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी देते हैं। अगर इस देश में ऊंच नीच और धर्म के नाम पर डिवीजन है तो वो अंग्रेजों के आने से पहले है। अगर आप देश के इतिहास को देखेंगे, इतिहास को उठा के देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि अंग्रेज जब आए हैं इस देश में, 1857 की क्रांति की बात करते हैं, उससे पहले लगभग उन्होंने 150-200 साल राज किया अंग्रेजों ने, तो उससे पहले देश में जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे राजनीति रही। राजाओं ने जो गरीब लोग हैं, और जो महात्मा मनु की जो बात करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जयपुर हाई कोर्ट में महात्मा मनु की एक स्टैचू लगवाई है, मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस भारतवर्ष में मनु ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं दी है? सबसे पहले अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अगर इस देश में अडॉप्ट की गई है तो वो महात्मा मनु द्वारा की गई थी, जिस बात को आज तक भी ये मक्कार लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहां से डिवीजन की पॉलिसी शुरू होती है, और इसके बाद एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। तो जब देश का संविधान बना, आज 26 नवंबर 2019 को हम लोग खड़े हैं, 26 नवंबर 2017 और 26 नवंबर 1949, इसमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है? 26 नवंबर 1949 में जब आखिरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और उस टाइम पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकली वी आर इक्वल, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी शैल रिमेन अनइक्वल।
अगर हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनइक्वल हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि अगर सामाजिक और आर्थिक जीवन में यह गैर बराबरी लंबे समय तक चलती रही तो यह राजनीतिक जीवन जो राजनीतिक समानता है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और उसका कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने जो शासन सत्ता पे कब्जा करके बैठ गए, उन्होंने उन लोगों ने क्या किया कि इन गरीब लोगों को जिनको राइट टू वोट मिला था, जिनको अपनी तकदीर बदलनी थी, गरीब लोगों को वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी तकदीर को बदलना था, सत्ता को प्राप्त करना था, उन लोगों को लालची बना दिया, उनको बेगर बना दिया इन लोगों ने। कोई साड़ी बांटने लगा, कोई कंबल बांटने लगा, कोई पैसे बांटने लगा, और अब देश की पूरी राजनीति फ्री के कॉन्सेप्ट में चली हुई है आज की डेट में। जब भी इलेक्शन का साल आएगा, चार साल तक कोई सरकार काम नहीं करती, और जैसे ही इलेक्शन का साल आएगा, जब भी इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला होगा तो बौछार कर दी जाती है फ्री की घोषणाओं की, फ्री की घोषणाओं की बौछार कर दी जाती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 3 महीने के लिए आपका DTC का पास फ्री, 1 महीने में अगर आपका 600 रुपए का खर्चा हुआ तो 1800 रुपए में क्या आप अपने 5 साल की कीमत बेच रहे हैं? क्या 5 साल के शासन को बेच रहे हैं आप 1800 रुपए के किराए में? क्या अगर 200 रुपए का बिल, 200 यूनिट फ्री का, 200 यूनिट फ्री देने वाला आदमी अगर 3 महीने के लिए आपके 1500 रुपए माफ करता है तो वो उसके बदले में आप उसको अपने 5 साल का जीवन उसके पास गिरवी नहीं रख रहे हैं? क्या जो आदमी आपको मेट्रो फ्री करने की बात करता है, महिलाओं को कहता है कि महिलाओं के लिए, मैं आप महिला शक्ति यहां बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सारी घरेलू महिलाएं हैं जो काम पे नहीं जाती हैं, घर में रहती हैं, उनके लिए क्या स्कीम लॉन्च की गई है बताओ जरा। पिछले 4 साल में, मैं अभी 3 महीने की बात नहीं करता, आपको बस का किराया 20 रुपए किराया देके आपके 5 साल की जिंदगी का वैल्यूएबल वोट आपसे छीना जा रहा है, और आप लोग कहते हैं खुश है कि फ्री का मिल रहा है हमें। ये फ्री कहां से आया, फ्री किसने दिया? क्या आप GST में भागीदार नहीं है? क्या टैक्स में आप भागीदार नहीं है? और दूसरा, पिछले 6 साल से लगभग दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासन में है। पिछले लगभग 6 साल से, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, 6 साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह सरकार 2013 में पहली बार बनी थी, 2013 में यह पहले सरकार बनी, उसके बाद 1 साल तक कोई शासन नहीं रहा, या राष्ट्रपति शासन लगा, और फिर 2015 में दोबारा सरकार बनी है। तो 6 साल से इस सरकार की पॉलिसी चल रही है, तो 6 साल में आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का उच्च न्यायालय कह रहा है कि दिल्ली नर्क बन चुकी है? तो आप उस फ्री के मुख्यमंत्री से पूछिए जरा जाकर, जो फ्री की बात करने वाला है, कि दिल्ली को नर्क बनाने वाला कौन आदमी है, किसने नर्क बनाया दिल्ली को? दिल्ली को नर्क किसने बनाया है? दिल्ली को उन गलत पॉलिसियों ने नर्क बनाया है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की समस्या हुई, दिल्ली में ये जो आज जो फ्री बांटा जा रहा है, ये आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, आपकी आपको एक चश्मा, जो हरे रंग का चश्मा है वो पहनाया जा रहा है, ताकि जो गलतियां हुई हैं, जो शासन फेल हुआ है, उस शासन की नाकामियों को बंद कर, उन नाकामियों को ढक के आपको फ्री दिखा दिया जाए, ताकि आपकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हम बार बार ये बात करते हैं, और ये फ्री एक चीज के लिए और दोषी है, जहां तक आप लोगों की सोच नहीं पहुंचेगी, अगर गरीब लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएं, शासन में बदलाव की बात करें, तो ये फ्री उनको शासन में बदलाव करने से भी रोकने का हथियार है। अगर गरीब आदमी अपना दिमाग अप्लाई करेगा, वोट डालेगा कि मैं इस सरकार को बदलूंगा, इस सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या किया इस सरकार ने? उसने कहा मैं आपको फ्री देता हूं। फ्री देने का मतलब है आपका ध्यान तो उधर जाएगा ही नहीं सरकार बदलने के लिए, कि मुझे तो फ्री में मिल रहा है, मैं फ्री के लिए ही काम करूंगा। तो ऐसी सरकार आप चुनना चाहते हैं? क्या ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो आपको बीमारियां दे रही? पानी, आप पानी की समस्या
पिछले कुछ दिनों से लगातार चली आ रही है, पानी के बारे में बहुत अखबारों में लिखा गया। हम पानी के बारे में बात नहीं करते हैं। पानी, एक एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली का एक गांव है जो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे एक गांव है, और आप सारे जो मीडिया के लोग हैं, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस गांव में जाएं और उस गांव के लोगों का इंटरव्यू लें और बाइक लेकर आए उनकी, और उनसे पूछ के आएं कि आपके यहां जो पानी की पाइपलाइन है दिल्ली जल बोर्ड की, उसमें कितने साल से पानी नहीं आया है। आप लोग जगतपुर गांव में जाए, बुराड़ी के बिल्कुल जगत यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे जगतपुर गांव बसा हुआ है, और जगतपुर गांव के घरों में जाकर इंटरव्यू लेकर आए कि कितने सालों से वहां पर दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई का पानी नहीं आया है। 5 साल से वहां पे कोई पानी की बूंद नहीं आ रही है। ये आप जाके अभी इंटरव्यू लें, और मैं आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में जो शोर मचाया हुआ फ्री पानी, आप तो 20,000 लीटर की बात करते हैं, वहां तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे वजीराबाद वाटर वर्क्स के बिल्कुल किनारे पे वो गांव है। ऐसी हालात उस गांव की है जो पानी सप्लाई की ये बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं। तो आपके सामने हम जो आए हैं, ये आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी कि जो दिल्ली का गरीब लोग हैं, जो दिल्ली के गरीब लोग हैं, उनको ये राजनीति में, उनको इन्होंने राजनीतिक तौर पर गुलाम बना लिया है, और गुलाम बना के ये चाहते हैं कि हम वोट तो डाल दें। हम लोग सिर्फ वोट डालने वाले लोग तो बनेंगे, लेकिन राज करने वाले लोग नहीं बनना। आप लोग गरीब लोग राज ना करें, उस चीज से रोकने के लिए ये राजनीतिक दल हथकंडे अपनाते हैं। और जब ये राजनीतिक पार्टी बनी, दिल्ली की एक राजनीतिक पार्टी बनी, ईमानदारी का ढिंढोरा पीट दिया उसने कि हमने बहुत ज्यादा ईमानदार, हम लोग ईमानदार हैं और बाकी सब लोग बेईमान हैं। और वो सारे लोग जो बेईमान लोग थे, वो उस आदमी उस पार्टी में भी चले गए। तो आज उसका करेक्टर क्या है? मैं पिछले 1 साल से लगातार ये बात हर मंच पे हर कार्यक्रम में बोलता रहा हूं कि ईमानदारी के नाम पे दिल्ली की ईमानदार जनता ने बेईमान सरकार को चुना है। ईमानदारी के नाम पे दिल्ली की ईमानदार जनता ने बेईमान सरकार को चुना है, और वो बेईमान मुख्यमंत्री आज पिछले 5 साल में उससे एक भी शब्द ईमानदारी का नहीं निकलता है। मैं आपसे पूछता हूं, पत्रकार जाके आप लोग पूछना वहां पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना कि आपने ईमानदारी का सगुफा जो छोड़ा था, ईमानदारी कहां चली गई है? कौन लेके उड़ गया उस ईमानदारी को? दिल्ली का एक बहुत बड़ा मंत्री, आपको हैरानी होगी सुन के, और मैं इस मंच के माध्यम से ये बात आपके बीच में रख रहा हूं ताकि आप पूरा देश इस बात को भी जाने। दिल्ली का जो मंत्री है, जो बड़ा प्रचार कर रहा है देश में कि मैंने इतना बड़ा रेडिकल चेंज किया है एजुकेशन की फील्ड में, उस मंत्री के भतीजे एडवर्टाइजमेंट कंपनी चला रहे हैं दिल्ली में, और जितना भी एडवर्टाइजमेंट का घोटाला है दिल्ली में, ये जो सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सारा पैसा उनकी जेब में वो मंत्री इनडायरेक्ट वे में डका रहे हैं दिल्ली का। आपके सामने ये बात रख रहा हूं ताकि आप लोग जाके पूछे उनसे कि दिल्ली के मंत्री के भतीजे एडवर्टाइजमेंट कंपनी चला रहे हैं, और सारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा जो जीएसटी और सरकार ने जो टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया पैसा, वो उस मंत्री की जेब में जा रहा है। जाके पूछे उस कंपनी की जांच कराएं। मैं केंद्र और राज्य केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल से भी ये मांग करता हूं कि दिल्ली के जो सो कॉल्ड रिफॉर्मर मिनिस्टर हैं, उस मिनिस्टर से उसके भतीजों की जांच की जाए कि वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी उन्होंने चलाई हुई है, उसमें दिल्ली के टैक्स पेयर का 1,000,000,000,000 रुपया वो गबन कर चुके हैं। वो कैसे उनको ठेके मिलते हैं, कैसे टेंडर मिलते हैं सरकारी? आप जैसे छोटे छोटे पत्रकार उस चीज से महरूम कर दिए गए हैं। डीएवीपी के नाम पे पिछले कुछ दिनों में लगभग 100 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर करा दी गई, छोटे अखबार वालों के खिलाफ। लेकिन ये जो बड़ा घोटाला हो रहा है, आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है बात को रखने की कि इस चोर सरकार को, ये बेईमान सरकार को, इसके बारे में मुद्दा उजागर किया जाए। हम आपसे ये बात रखते हैं कि दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस चीज के लिए नहीं आई है कि हमारे पास संख्या बल कम है। हम भीड़ दिखा के भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप गिने चुने लोग हैं, लेकिन समझदार लोग हैं जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, जो इस चीज के खिलाफ एक संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे सारे साथी, हम उन महापुरुषों के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं कि जिन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां भी बनेगा,
और ये दिल्ली की जो बेईमान सरकार है हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे। हम ऐसी बात आपके बीच में रख रहे हैं। अब हमारे साथी ने दिल्ली में पॉल्यूशन के बारे में बात की, हम आपसे ये बात पूछते हैं कि 5 साल में 2 बार OD1 लागू किया गया, 5 साल में 2 बार OD1 लागू किया गया, क्या 15 दिन में अगर कार बंद, अगर ओड नंबर और इवन नंबर की कारें बंद कर दी गई 7 दिन के लिए, तो क्या दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? आप लोग बताएं कि क्या दिल्ली का पोल्यूशन 15 दिन में या 7 दिन में खत्म हो सकता है क्या? आपने 5 साल में कुछ किया नहीं, 15 दिन में आप पोल्यूशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से खत्म होगा ये पोल्यूशन? हमने कहा कि जितनी भी कार कंपनियां हैं, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने कोई प्रपोजल दिया, हम चाहते हैं देश के सामने रखना कि जितनी भी कार कंपनियां हैं उन सारी कार कंपनियों के ऊपर कंडीशन इम्पोज की जाए कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली मेन सिटी में किसी भी कार कंपनी का ऑफिस नहीं होगा। राशनिंग कर दी जाए कि जो हमारे रोड की कैपेसिटी है, अगर हमारे रोड की कैपेसिटी 20,000 वाहन की है तो 30,000 गाड़ियां नहीं देखी जाएंगी दिल्ली में। हम इनको उठा के फेंकने की स्थिति में। हमने कहा कि हम महिलाओं को फ्री, हमने कहा कि महिलाओं को फ्री पास नहीं देंगे, हम दिल्ली में सभी महिलाओं को 3 घंटे के लिए रोजगार देंगे। दिल्ली की गृहिणी जो भी घर में काम करने वाली महिला है या जो वैसे काम करने वाली, हम हर महिला को 3 घंटे के लिए रोजगार प्रोवाइड करेंगे ताकि वो स्वावलंबी हो सके और उसके लिए उसको फिर किसी केजरीवाल जैसे आदमी से फ्री में भीख ना मांगनी पड़े। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है, हर महिला को रोजगार देने का हम वादा करते हैं आपसे। दूसरी चीज जो बेरोजगारी है, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं और मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि आप अगर फ्री देने की बात करें तो दिल्ली में जो फ्री के नाम पे आपने ये ढिंढोरा पीटना शुरू किया है, तो दिल्ली में लगभग 35 लाख बेरोजगार लोग हैं। दिल्ली में युवा है 35 लाख बेरोजगार, 1,45,00,000 में से 35 लाख बेरोजगार लोग हैं जो सड़कों पे चक्कर लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से आज आप देखते हैं कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता है। आप लोग बच्चों को, नौजवान बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को जो क्राइम में इन्वॉल्व हो गए, क्यों हो रहे हैं वो लोग इन्वॉल्व? उसके लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि दिल्ली के लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जब आप उन बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करते, अगर उनको रोजगार मिलता तो उन लोगों को गलत एक्टिविटीज में जाने से रोका जा सकता था। तो हम ये इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करते हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं कि अगर आप फ्री की घोषणा का इतना ही आपको चस्का लगा हुआ है तो दिल्ली के सारे बेरोजगारों को जब तक रोजगार ना मिल जाए, दिल्ली के सारे बेरोजगारों को जब तक रोजगार ना मिल जाए तब तक आप फ्री तनखा देने की घोषणा करें। अगर आपके अंदर गमे आप दे फ्री तनखा, हम कहते हैं कि वो बच्चा जिसको फ्री तनखा मिलेगी वो अपने पेरेंट्स को खुद जाके तीर्थ यात्रा करवा सकता है, उसको केजरीवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके माँ बाप को फ्री में ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बेटा जाएगा ताकि उनको तसल्ली भी होगी, मेरे बेटे ने मुझे तीर्थ यात्रा कराई है। दूसरी चीज, अगर तीर्थ यात्रा भी कराई जा रही है तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तीर्थ यात्रा में भी भेदभाव होता है क्या? अगर आप एक धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा की बात करते हैं तो अजमेर शरीफ भी ट्रेन भर के भेज दीजिए, आप मक्का मदीना भी भेज दीजिए। आप वो मक्का मदीना में जो लोग जाते हैं जियारत करने के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वोट का नंबर आया तो पिछली बार हमारे समाज के लोगों ने कहा कि झाड़ू सर पे रख लिया इसलिए अबकी बार इसको वोट देते हैं, और झाड़ू वालों का क्या हाल किया हमारे झाड़ू वाले समाज का कि सड़कों पे कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर हो गए। 5 साल तक सड़कों पे कूड़ा फेंकते रहे, 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली उनको। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने जिस समाज का वोट लिया उसके साथ गद्दारी की तो आपको फ्री बस पास देके आपके साथ ईमानदारी करेगा ये आदमी? इसने कहा, इसके चुनावी घोषणा पत्र में एक बहुत अहम बात थी, चुनावी घोषणा पत्र में कहा इसने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि जो आदमी सीवर की सफाई करते वक्त, अगर किसी आदमी की सीवर की सफाई करते वक्त डेथ होगी तो उसको 1,00,00,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अभी इसका जो 70 पॉइंट का प्रोग्राम है, जो 70 वायदों का प्रोग्राम है, निकालो अभी उसको, आपको मिलेगा 1,00,00,000 रुपए उसको मुआवजा जो सीवर में मरेगा,
और उसके परिवार से जॉब, एक आदमी को जॉब मिलेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल में लगभग 100 लोग मरे हैं, किसी एक भी आदमी का नाम बता दो जिसको 1 करोड़ रुपए दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये झूठा और मक्कार मुख्यमंत्री, किसी सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए दे के आए हो कि भाई तुमने इस देश के स्वास्थ्य के लिए जान दिए, ये भी हमारे लिए शहीद है, ये भी हमारे लिए शहीद का काम करता है। अगर एक बॉर्डर का सिपाही, अगर बॉर्डर का एक सिपाही हमारी रक्षा के लिए जान देता है, उसको गोली लगती है, तो आपको गंदगी से बचाने के लिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए जो सीवर में उतरता है, जो अपनी कुर्बानी देता है, वो भी हमारे लिए शहीद है, क्या उसके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या वो हमारे लिए शहीद नहीं हो रहा है? जब दिल्ली जल बोर्ड पे डायरेक्ट नियंत्रण, दिल्ली जल बोर्ड पे डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का है, हमने कहा कि जितनी भी सीवर, मैंने तो कई बार मंचों में ये बात कही है कि सीवर में जितने भी लोग मरे हैं, इन सब के लिए केजरीवाल के खिलाफ मर्डर का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। और अगर हमारी सरकार बनती है, अगर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स सरकार बनाती है, तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को जितने भी सीवर में डेथ हुई है, उनका दिल्ली जल बोर्ड का हेड मानते हुए, जो सीवर डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है, उसके अंडर काम करता है, तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल भेजेंगे अगर हमारी सरकार आई तो, क्योंकि जो सीवर में मौत है इनके लिए डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। सीवर की मौत के लिए डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, 4 दिन पहले डेथ हुई है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को, जो सीवर में उतरते हैं लोग, उनको परमानेंट जॉब नहीं है, ठेकेदार उनको लेबर के तौर पे काम कराता है, और जब वो मर जाते हैं तो सरकार क्या कहती है कि ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है, आप कैसे हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीब लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये तो कर्मचारी नहीं है, ठेके पे है, ये तो ठेकेदार के अंडर है, तो उसको तो मुआवजा नहीं मिलेगा। कैसी, अगर आप हरियाणा में जाके, हरियाणा में जाके आप 1 करोड़ रुपए का चेक देने जाते हैं चुनाव से पहले प्रचार के लिए, आप प्रचार रूपता में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद दिल्ली में क्या है, दिल्ली का जो सीवर कर्मचारी, उसमें डेथ हो जाती है, उसके घर पर आप झांकने भी नहीं आते। पिछले 3 दिन से वो बड़ा चिल्ला रहा है रजिस्ट्री दिलाऊंगा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि जो सीवर में डेथ हुई है अभी 2 दिन पहले, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या ये जितने भी हमारे संगठन है, मैं उन 127 जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है उनको भी बोलता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी धमकाता हूं इस चीज के लिए कि अगर हिम्मत है तो जाके मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगो कि हमारे लोग मरने के लिए नहीं दिए हमने, मुख्यमंत्री से डिमांड करो इस्तीफे की कि अब की बार हम बायकॉट करते हैं इस पार्टी का, झाड़ू के नाम पे गुमराह करके आपने हमारा वोट लूट लिया है। साथियों, ये जो 70 वादों का है, अब इसका पुलंदा अगर हम खोलेंगे तो दिल्ली में अगर 500 स्कूल बनाने की बात थी, 500 स्कूल और 20 कॉलेज का प्रॉमिस है इसके अंदर, ये जो झूठ का पुलंदा है ना, ये जिसपे मुख्यमंत्री का फोटो छपा हुआ है, ये 70 वादे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 500 स्कूल बनते तो दिल्ली में एक स्कूल में अगर 100 आदमियों को रोजगार मिलता तो 500 स्कूल में 50,000 लोगों को रोजगार मिलता। एक भी स्कूल क्यों नहीं खोला गया? वो जब आपको मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन मिल जाती है तो स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं मिलती है। आपके पास लैंड एक्विजिशन एक्ट है, अगर आपकी नीयत साफ होती स्कूल बनाने के लिए और सरकार आपको जमीन नहीं देती है तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्राइवेट जमीन को एक्वायर करके भी स्कूल बना सकते थे। ये कानूनी तौर पे आप कर सकते थे, लेकिन किया नहीं आपने, क्योंकि इन गरीब लोगों के बच्चों को ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि गरीबों के बच्चे पढ़े, और अगर ये शिक्षित होंगे, स्कूल बढ़ेंगे तो क्या होगा, सरकारी स्कूल अगर बनेंगे तो क्या होगा, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, और गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए एक भी सरकारी स्कूल नया नहीं बनाया गया, पुराने स्कूल में प्लास्टर करके पेंट करवा के घटिया, और कह दिया एजुकेशन में हमने रेडिकल चेंज कर दिया। बताइए आप रेडिकल चेंज, दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के स्कूल के टीचर्स, दिल्ली में जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है SMC के नाम पे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में
सारे आम आदमी पार्टी के गुंडे भरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भरे हुए हैं, और वह दिल्ली के स्कूल में टीचरों को टॉर्चर करते हैं और वहां जाकर स्कूलों में टीचरों को धमकाते हैं। दिल्ली का शिक्षा मंत्री कहता है कि रिजल्ट डाउन नहीं होना चाहिए, और टीचर आज दिल्ली के स्कूलों के टीचर भयभीत हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि डर की वजह से कि रिजल्ट खराब ना, वो मंत्री के कहने पे बच्चों को जो बच्चा फेल होने वाला उसको भी 60-60 नंबर दे रहे हैं। दिल्ली के मंत्री उनसे गैर कानूनी काम करा रहे हैं, और यह दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की साजिश है। जब भाजपा और कांग्रेस कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, भाजपा और कांग्रेस ये तीनों आम आदमी कांग्रेस भाजपा ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, तो जब गरीब लोगों की आवाज बनने के लिए हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आप हजारों की लाखों की भीड़ दिखा रहे हैं, हम ये 100 लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्हीं से हम लाखों और करोड़ों लोग बनाएंगे, यही लोग करोड़ों वोट तैयार करेंगे। हम जब ये आरएसएस बनाने वाले लोग 70 साल 90 साल इंतजार कर सकते हैं, जिन लोगों ने आरएसएस बनाई वो 90 साल इंतजार कर सकते हैं, तो आपकी अपनी पार्टी भी 4 साल 8 साल इंतजार कर सकती है। हम आपको ज्यादा लंबा टाइम नहीं देंगे, हम सरकार जरूर बनाएंगे। और अभी मैंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी को जीरो करेंगे, आम आदमी पार्टी को जीरो करेंगे, और वो हमने करके दिखाया। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जब बनी तो केजरीवाल को लगा कि ये गरीब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे गरीब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये तो हमारी राजनीति छीन लेंगे, मैं तो गरीबों के बल पर राजनीति कर रहा हूं। पार्टी का जैसे नाम आया कि आपकी अपनी पार्टी, तो ये भी आप बन गए नहीं एक दिल्ली में, नाम को लेके इलेक्शन कमीशन में जाकर ड्रामा करना शुरू कर दिया कि ये आप है और हम भी आप हैं। तो आप दो आप तो हो नहीं सकती, हमने कहा हम असली आप हैं, आप नकली आप हो, आप नकली आप हो, क्योंकि हम लोग हम तो गरीबी से उठ के आए, हम संघर्ष करके हम गरीबी ओढ़ कर ही आए हैं। जिस आदमी के दादा परदादा हिसार डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते थे अंग्रेजों के टाइम पे, उसने गरीबी का लबादा ओढ़ के अगर एक दिन बिजली का तार जोड़ दिया इलीगल काम करके, तो आप लोगों ने बड़ी तालियां बजा दी केजरीवाल तो गरीब है। आज वो गरीबों के लिए क्या कर रहा है, आपको फ्री का सपना दिखा के आपके वोट को लूटने का काम कर रहा है। तो हमने एक बात रखी है आज इस मंच के माध्यम से, मैं भारत के इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात रखना चाहता हूं कि देश में चुनाव सुधार में एक चीज की और जरूरत है कि जो चुनावी वर्ष होगा, जो भी चुनावी वर्ष होगा, जब भी किसी राज्य में या देश में चुनाव होगा, तो चुनावी साल में जो आखिरी चौथा 4 साल के बाद 5वां साल शुरू होता है या 6 महीने शुरू रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन बैन लगाए, इलेक्शन कमीशन सारी राजनीतिक पार्टियों पे बैन लगाए कि कोई भी लुभावनी घोषणा या फ्री की घोषणाएं नहीं की जाएंगी, अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। और हमारी पार्टी ये वादा करती है आपसे कि जब भी हमारे एमपी एमएलए जीतेंगे तो हम इस मुद्दे को, अगर हम दिल्ली में सरकार बनाते हैं तो सबसे पहला प्रस्ताव हमारा यही रहेगा कि चुनावी वर्ष में कोई लोक लुभावनी घोषणा नहीं की जाएगी। हम भ्रष्टाचार की बात करते थे, ईमानदारी के बारे में हमने कहा, हमने दिल्ली में एक मुद्दा उठाया कि जो सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में बनाए वजीराबाद में, सिग्नेचर ब्रिज 681 करोड़ का बजट था, 681 करोड़ के बजट वाला पुल 1576 करोड़ में बनाए, तो उसमें जो लगभग 900 करोड़ का घोटाला है, दिल्ली सरकार उसको उजागर करेगा वो पैसा किसकी जेब में गया है, 900 करोड़ रुपए का घोटाला है उसमें। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि ईमानदारी पे आओ, तो केजरीवाल भाग जाता है फ्री की तरफ, वो फ्री की तरफ इसलिए भागता है कि आज वो ईमानदार नहीं, वो पहले से भी बेईमान था, लेकिन दिल्ली की जनता की आंख में धूल झोंक दी कि ईमानदार सरकार। और हमने अब की बार नारा दिया है कि बेईमान हटाओ ईमानदार लाओ, आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनाओ, बेईमान हटाओ ईमानदार लाओ, आपकी अपनी पार्टी की गरीबों की सरकार बनाओ। साथियों, पार्टी लगातार संघर्ष, और हम जिन आदर्शों पे चल रहे हैं, हमारे आदर्श और जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, जिन महापुरुषों को,
हम इतनी जल्दी हार मानने वाले लोग नहीं है। अगर किसी के मन में, किसी कार्यकर्ता के मन में गलतफहमी हो कि हमारे संख्या बल कम है या हम जल्दी से हौसला गिव अप कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और दिल्ली में यह मैं आपके सबके सामने वायदा करता हूं कि दिल्ली में अगली जो सरकार होगी वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होगी, उसको नहीं बनने देंगे। हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ इसमें लगी हुई है। जिन लोगों ने गरीबों को गुमराह किया है, हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से ये दिल्ली का जो बहरूपिया है, ये बार बार दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। अभी कुछ दिन पहले इसने कहा कि बाहर के लोग 500 रुपए का टिकट कटा के आते हैं और दिल्ली में इलाज करा के चले जाते हैं। तो मैं पूछता हूं केजरीवाल जी, आपका घर कौशाम्बी में, आप इनिशियली रहने वाले हरियाणा बिहार वहां के हिसार के, तो आपका दिल्ली से क्या वास्ता है? जो दिल्ली के लोग हैं उनको दिल्ली में रहने दो, आप भी छोड़ के चले जाओ। और नहीं छोड़ के जाओगे, अगर छोड़ के नहीं जाओगे तो दिल्ली लात मार देगी। दिल्ली लात मारने के लिए तैयार बैठी है। आप देखना 2020 में नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, नई पार्टी, हमारी पार्टी के लोग शपथ लेंगे और ये आम आदमी पार्टी की सरकार चलाएगी। दिल्ली में ये जो फ्री का झुंझुना है, इसको जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग उसमें लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, इनको कोर्ट में हरा के आई है। हाई कोर्ट में जब हमें सिंबल अलर्ट हुआ, इन्होंने टॉर्च सिंबल पे बड़ा हंगामा कर दिया कि हमने बैटरी टॉर्च सिंबल ले लिया है, ये तो झाड़ू की तरह दिखता है। और लोकसभा चुनाव से पहले लगातार एक महीने तक लगातार हम लोग हाई कोर्ट में डेली अपीयर होते रहे। हाई कोर्ट ने लास्ट में कह दिया कि यू आर फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड वी हैव नॉट स्टेट दिस बैटरी टॉर्च सिंबल विच यू आर यूजिंग। तो जब इनको कहा, इनको स्लैप लगी हाईकोर्ट से, उसके बाद ये चुप है। अब हमें 70 विधानसभा, अब दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं पे बैटरी टॉर्च आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को अलॉट हो चुका है। इस लोग अभी जो विधानसभा का चुनाव आएगा, हम आज भी चैलेंज करते हैं कि अगर केजरीवाल में हिम्मत है, सामने बैठ जाए, बात करें। दिल्ली के लिए हमारे पास ज्यादा बेटर विजन है, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ज्यादा बेटर विजन है और हम उसके लिए तैयार है प्लान देने के लिए। देश का मीडिया डिबेट रख दे और हम उसको चैलेंज करके कहते हैं कि दिल्ली में हम उससे ज्यादा बेटर प्लानिंग करेंगे और ज्यादा बेटर चीजें देंगे। एजुकेशन की बात करता है, बताइए कि कितने गरीब बच्चों को पिछले 5 साल में लगभग 30 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। जो सरकारी स्कूल बंद हुए उनका डाटा नहीं दे रही है सरकार। कुछ MCD के स्कूल है और कुछ गवर्नमेंट के स्कूल है जिनको बंद कर दिया गया है। और ये कहते हैं कि हमने एजुकेशन में नया स्कूल कोई खुला नहीं है, पुराने स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये पुराने स्कूल जो बंद किए गए हैं, इनमें किसके बच्चे पढ़ते थे? इसमें टाटा बिरला अंबानी के बच्चे तो नहीं पढ़ते, हम गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इन स्कूलों को बंद करके जो हमारी हालत खराब की जा रही है और सिर्फ हमें फ्री के नाम पे, जैसे TV पे आप पिक्चर देख रहे हैं, एक गाने को 10 बार सुनोगे तो वो गाना 11वीं बार आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से फ्री दिखा के फ्री आपके दिमाग पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा और लगेगा नहीं कि कोई और लोग भी यहां काम कर रहे हैं, सिर्फ फ्री काम हो रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों का ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि केजरीवाल जी, अब दिल्ली को भी फ्री छोड़ दो। आपसे फ्री होने का पार्टी से फ्री होने का वक्त आ चुका है। और हम आज इस कार्यक्रम में जिन भी हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, हमारी टीम ने बहुत मेहनत से कार्यक्रम, क्योंकि काफी लंबे समय से छोटे छोटे कार्यक्रम क्षेत्रों में हो रहे थे, तो आज क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस भी था और स्थापना दिवस के साथ साथ पार्टियां संविधान से निकली हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे उससे ज्यादा बड़ा दिन आज देश के संविधान बनने का है। तो आज देश के संविधान का स्थापना दिवस है, उसकी बधाई देते हुए और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की स्थापना की बधाई देते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारी टीम के साथियों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और माता बहनों का सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला, और प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर, मैं अभी आप उसके लिए मैं रख रहा प्रोग्राम, आपसे हम जरूर बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।